अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड मेरी प्यारी सी स्वीट सी सिस्टर, तो कैसी हैं आप सब? कैसा वक्त गुजर रहा है आप सब का? तो सुबह सुबह का टाइम था, मैं नाश्ता करके अभी फ्री हुई, साथ ही मैंने कहा कि दिन का खाना रखा जाए साथ ही, तो बाकी काम जो है बाद में किए जाएंगे। खाना ज़रूरी होता है दिन का, तो सबसे पहले मैंने गोश्त रखा है। गोश्त के लिए मैंने पानी डाला है 2 गिलास, उसमें मैंने साबुत थोड़े से मसाले डाल दिए हैं और इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। साबुत मसाले थोड़ी सी दालचीनी की स्टिक थी और 2 जो थी मोटी गरम मसाले वाली इलायची और थोड़े से 2-3 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्ची। उसके बाद थोड़ा सा मेरा जब गोश्त बॉयल्ड हो गया है तो उसके बाद मैंने इसमें 2 डाले टमाटर, 2 ही प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 हरी मिर्ची काट, और साथ ही मैंने इसमें प्याज टमाटर सारा कुछ डाल के थोड़ी देर के लिए कवर करके रखा था। उसके बाद साथ ही मैंने जो है ना इसमें मसाले डालने थे, तो थोड़ा सा मैंने इसको पकने दिया है। उसके बाद इसमें मैंने सारे मसाले जितने भी घर के स्पाइस थे वो सारे डाले हैं। क्रश चिली डाली है, सुरख मिर्चों का पाउडर डाला है और धनिया और ज़ीरा भी 1-1 चम्मच, आधी चम्मच इसमें मैंने हल्दी की डाली है। उसके बाद जो है इस पर ज़रूरत नमक डाला है। इसमें नमक आप अपनी हस पे मुताबिक जितना आप डालना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। उसके बाद पानी हो गया इसका खुश्क, इस पर मैंने डाल दिया ऑयल और ऑयल डाल के इसको हल्की आंच पे मैंने भून लिया है। तो जब भी गोश्त बनाए हल्की आंच पे, कोई भी खाना आप बना रहे हैं तो उसको हल्की आंच पे आप पकाएंगे तो उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और पक्के का भी बहुत मज़े का। ये देखिए इतना गल चुका था कि इसकी जो नली की जो रूबक है वो बाहर आ रहा था। तो खैर, नली का रूबक मेरा बहुत फेवरेट है और मेरे छोटे बेटे का भी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिस चीज़ को पसंद है रूबक, नली वाली हड्डी बोटी जो भी है, वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी मेरी सिस्टर को ऐसे पसंद है ये वाली चावल। उसके बाद माशाल्लाह आलू गोश्त हो चुका है हमारा तैयार, बिल्कुल फाइनल लुक देख सकते हैं आप इसकी। बहुत ही मज़े का बना था, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि इतना गाढ़ा इसका शोरबा नहीं मैंने रखा। प्याज भी इसमें मैंने थोड़ा ही डाला था ताकि मुझे जो है ना वो थोड़ा सा इसका जो शोरबा है ना वो सही मज़े का लगे, इसलिए काम डाला था मसाला। तो उसके बाद मैं थोड़ी सी जो है मैंने कहा कि चलो चिकन ही रोस्ट कर लूँ बच्चों के लिए, तो 2 बेबी चिकन थे और टिक्का मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें शान वालों का, आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं वरना दूसरे स्पाइस जो भी होते हैं घर के वो डाल के तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जो घर के स्पाइस थे उसमें मैंने डाले हैं क्रश चिली, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच और उसके बाद ज़ीरा पाउडर 1/2 चम्मच और थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद जितने भी घर के स्पाइस थे वो डाल के थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है चिकन टिक्का मसाला, चिकन रोस्ट टिक्का मसाला डाला है थोड़ा सा, और इससे क्या है कि फ़्लेवर भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है इसका। तो हम मैं तो जब भी मतलब चिकन रोस्ट करनी हो तो फ़िलहाल ऐसे ही जल्दी जल्दी में अगर करनी हो तो ऐसे ही करती हूँ। ज़्यादातर मैंने जब मेहमान कोई आने हो हमारे घर में तो मैं क्या करती हूँ कि चिकन को रात को ही मसाला लगा के फ्रिज में रख देती हूँ, जितना ज़्यादा देर पड़ी रहेगी उतना ही उसका फ्लेवर अच्छा आता है, कलर अच्छा आता है। उसके बाद लेमन इसमें मैंने डाल दिया, तो उसके बाद इसको कवर करके रखा था हल्की आँच पर, तो इसलिए ये जो है ना माशाल्लाह गल चुकी थी थोड़ी सी। फिर इसको मैंने जो है ना 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे मैंने इसमें रखा था ओवन में ताकि इसका कलर भी अच्छा आ जाए और सही से रेडी हो जाए, और बहुत मज़े की बनी थी बिलीव करें आप, और गल भी सही गई थी। और ये इसका सॉस था बचा है तो मैंने सोचा कि ये जब बीच में ग्रिल करने के लिए रखा है ना मैंने इसको, तो ये सॉस इसके ऊपर लगा दिया था। ये देख सकते हैं फाइनल लुक इसकी, माशाल्लाह इतना मज़े का तैयार हुआ था कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल चरगे की तरह। उसके बाद हम निकले हैं शॉपिंग करने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी घर की और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं वेदर भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आज लंदन का धूप निकली हुई थी और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह वेदर है, और दिल कर रहा था कि कहीं धूप पे बाहर बैठ के जो है ना धूप सेकी जाए, जैसे पाकिस्तान में जैसे ही धूप निकलती है तो हम जो है ना सेन में बैठते हैं, बातें शातें करते हैं, साथ समोसे हो साथ चाय हो वो माहौल याद आ रहा था मुझे। खैर, कभी नसीब में होगा इंशाल्लाह जाएंगे तो वहाँ पे ये, अगर ये वाला मौसम हुआ तो ज़रूर ऐसे यादें जो है ना ताज़ी की जाएंगी। खैर माशाल्लाह आज देख सकते हैं कितनी मज़े की धूप निकली है, वो सामने मैंने इसीलिए वीडियो बनाई थी कि धूप नज़र आए, थोड़ी सी आपको नज़र आई है धूप, वो देखें।
उसके बाद जो है मैंने यहाँ से ठीक है मैक से कुछ चीज़ें लेनी थी, मेरी घर की ज़रूरी चीज़ें थी, कुछ मैंने बर्तन लेने थे और कुछ और भी चीज़ें लेनी थी, तो फटाफट से मैं यहाँ पे गई और मैंने अपनी चीज़ें ली और जल्दी से हमने शॉपिंग की। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो आपके साथ भी शेयर की जाए कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ जो है नई आ चुकी है और बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में मिलती है। जो मेरी सिस्टर्स यूके में रहती हैं मतलब उन वो नहीं आई टिक मैक्स, ज़्यादातर नहीं जाती, तो उनको मैं बता दूँ कि टिक मैक्स जाया करें, वहाँ पर रिजनेबल आपको चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं, अच्छी वराइटी में मिल जाती हैं और हर चीज़ मिल जाती है आपको घर की चीज़ों से ले कर क्लॉथ शूज़ हर चीज़ मिल जाती है, घर की जितनी भी इस्तेमाल वाली वो भी मिल जाती हैं और पहने और सारी ओढ़ने वाली सब चीज़ें मिल जाती हैं, यूज़ वाली भी जैसे कि ये वाली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी मिल जाती हैं। और उसके बाद जो है साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, क्योंकि वीडियो जब देख चुके होते हैं तो आपका काम बनता है कि लाइक भी करना और शेयर भी करना और कमेंट भी करना। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो आप सब्सक्राइब करके जाएं अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो। खैर बैग्स बहुत प्यारे आए हुए थे, बहुत 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 ही अच्छे, और मेरे जो फेवरेट बैग थे वो उनकी तो प्राइस इतनी चढ़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा उनकी प्राइस थी मतलब कि बैग्स की, क्योंकि ब्रांडेड बैग होते हैं ना तो उनकी प्राइस भी जो है ना वो सही हाफ से आप भी उन्होंने की होती है 50% से और 70% भी की होती है ना आप, पर उसकी प्राइस फिर भी इतनी ज़्यादा मतलब ब्रांडेड थे ना इसलिए। तो क्या नाम है, मुझे एक दो पसंद आए हैं, मैं लेने जाऊंगी इंशाल्लाह बाद में, क्योंकि आज जो मैं शॉपिंग करने आई थी मैंने मेरे फोकस उसी पे था कि मैं जो लेने आई हूँ चीज़ें वो वही लूँ, तो जैसे आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर जो है मैंने बैग ख़रीद लिए तो वो चीज़ें नहीं ख़रीद पाऊँगी, अब फिर अपना बजट भी देखना पड़ता है, अपनी पॉकेट भी देखनी पड़ती है चीज़ें तो सभी अच्छी लगती हैं, जब भी शॉपिंग करने जाओ हर चीज़ अच्छी लगती है, तो क्योंकि सारा कुछ देख के फिर ही जाके शॉपिंग करनी पड़ती है, जिस चीज़ के लिए हमें ज़रूरी आना पड़ता है या जाना पड़ता है जहाँ पर, तो वो क्या नाम है ज़रूरी चीज़ें लेनी होती हैं, बाकी तो चीज़ें सिर्फ मतलब क्या करें मुँह में पानी तो आता है कि ये भी ले लें ये भी ले लें। खैर यहाँ की जो है ना सोप बहुत अच्छे होते हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोप आए होते हैं ऑर्गेनिक, और ये ज्वेलरी थी एयरिंग थे, यहाँ पे एयरिंग जो थे वो बहुत ही कम प्राइस में थे, कोई 4-5 पाउंड में 10 पाउंड में इस तरह मिल रहे थे, और खैर मैंने कभी इतने ज़्यादा शौक से पहने नहीं एयरिंग्स क्योंकि मुझे नहीं अच्छे लगते। खैर उसके बाद बर्तन आपको दिखा रही थी, बर्तन बहुत प्यारे थे, ये मुझे जो ब्लू वाले बॉल्स थे ये बहुत अच्छे लगे हैं, मैंने लेने थे बट आज रश नहीं था, पहले खरीद चुकी हूँ तो ये ले लूँगी तो यहाँ पर रश नहीं था, बर्तन ले लेकर जो है ना जगह नहीं रही शॉपिंग करने जो भी करना था, किचन की चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी है, बस दिल करता है कि सारी चीज़ें और ले जाओ रखते जाओ, देखना पड़ता है गिला वजह बेफजूल वही बात है। तो उसके बाद जो है आगे एक आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या देखा है, जो हमारे घरों में वो पहले पहले के ज़मानों में ना जैसे कि वो झुलियाँ टाइप इस तरह बनाते होते हैं, सिंध की साइड पे भी बनाते हैं, मैंने अभी भी देखी कि वो उनका बहुत ज़्यादा जो है ना इन पाकिस्तान में ज़्यादातर खाड़ी में भी वो डिज़ाइन आया है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन उनका है, तो वो मतलब रूम में इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें रग की तरह, और मैंने ये कप भी लिया था जो स्टार्टर में आपको वीडियो में दिखा था, मेरा रेड कलर जो है वो फेवरेट है, ये बॉल से रेड कलर में आए हुए थे, बहुत प्यारे आए हुए थे, तो मेरे पास ऑलरेडी हैं तो मैंने इसलिए नहीं लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी, ये छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रही हैं बिल्कुल बेलने और छोटी छोटी सी डोई और छोटे छोटे से चम्मच, ये सारे मतलब छोटे छोटे तो नहीं है, खैर इससे अंडा वगैरह फ्राई कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें, तो कुछ भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं माशाल्लाह। आज मुझे कढ़ाई लेनी थी बट मैंने कढ़ाई नहीं ली, मिली नहीं है मुझे, सारे जो है ना फ्राई पैन थे जो कि मेरे पास ऑलरेडी हैं, और उसके बाद जो है मैंने कहा कि आपको थोड़े बर्तन दिखा दूँ, यहाँ ये स्टील के थे बहुत ही प्यारे थे ये वाले सॉसपैन से, और जितनी भी यहाँ पर वैरायटी होती है ना बहुत अच्छी होती है, मेरी ये फेवरेट जो है ना फेवरेट जगह यही है, यहाँ से मैं ज़्यादातर शॉपिंग यहाँ से ही आके करती हूँ, जो भी मुझे घर की चीज़ इस्तेमाल की लेनी हो तो मैं यहाँ से ज़्यादातर ख़रीदती हूँ, या फिर बच्चों के पहनने वाले कुछ ट्राउज़र लेने थे आज वो भी यहीं से ही मैंने लिए हैं,
और बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। टिक्के मैक्स, ये जगह मतलब ये जो मॉल का नाम है टिक्के मैक्स है, ये जो आपको मैंने दिखानी थी वो ये आ गई हैं। आप देखें, ये देखें, इतने प्यारे इतने मज़े के कलर थे ये कि बहुत ही खूबसूरत। साइज़ में थोड़े छोटे थे, ये रग टाइप हैं, कमरे में आप नीचे बिछा सकते हैं इसको, तो इतने प्यारे टेबल के नीचे भी बिछा सकते हैं। तो मुझे लेने थे बट मैंने आज नहीं लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाके लेके आऊँगी एक या दो। तो और मैंने जो चीज़ लेनी थी ज़रूरी वो यहाँ से लेनी थी तो मुझे नहीं मिली, और दूसरी चीज़ें मैंने जो लेनी थी वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मिल गई थी मुझे और मैं लेके आई। वीडियो का हो चुका है एंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आप